हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। टुकू लेटा होता है, नाराज होता है, तभी अक्षरा कहती है, बेटा चलो पापा से बात कर लो, पापा का भी तो मन करता होगा ना, तुम एक बार बात तो करो, चल कर चलो। तभी नक्श कहता है नहीं। तभी अक्षरा कहती है कि बेटा वो सब कुछ बोल सुनते हैं, वो भले कुछ ना बोल पाए लेकिन उन्हें सुनाई सब देता है। चलो हम दोनों लोग आज पापा के पास सोई सोई करेंगे। तभी नक्श को लेकर अक्षरा जाती है नैतिक के पास और अक्षरा कहती है, देखो नैतिक कौन आया है, ये देखो नक्श आया है, देखिए आपसे बात करेगा। और अक्षरा नक्श से कहती है, नक्श डुक्कू बात करो पापा से। कहती चलो पापा खुश हो जाएंगे, जैसे तुमने देखा नहीं हग्गी हग्गी करते हैं, यश करता है ना, वैसे तुम भी करो हग्गी ना सही तो प्यार से बात तो करो। तभी नक्श बात करता है, कहता है पापा, और फिर वो बैठ जाता है। उसे नींद आने लगती है। अक्षरा कहती है नींद आ रही है डुक्कू को, कहती है चलो डुक्कू मैं सुला देती हूँ तुम्हें, और कहती है कि चलो मेरे पास लेटो। और तभी डुक्कू साइड में लेट जाता है। अक्षरा उसे देखती है, कहती है चलो ठीक है, और अक्षरा भी वहाँ पर जाकर लेट जाती है। कहती है चलो डुक्कू मैं तुम्हें सुला देती हूँ, और डुक्कू थोड़ा सा डर रहा होता है और वह डुक्कू को अपने पास सुलाती है और नैतिक से कहती है, देखिए नैतिक आज डुक्कू हमारे पास है। और कहती है पता है डुक्कू सब क्या कहते हैं, तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। तभी डुक्कू देखने लगता है अपने पापा को, कहता है बिल्कुल पापा की तरह हूँ। कहती है हाँ, कहती दादी भी कहती हैं, कहती हैं अक्षरा कहती है हाँ दादी भी कहती हैं, कहता है अच्छा। और फिर अक्षरा कहती है पता है जब तुम छोटे थे तो पापा तुम्हें बहुत प्यार करते थे और रात रात में उठ जाते थे, वो तो सो ही नहीं पाते थे, एक बार पता तुम्हें फीवर आ गया था तो पापा रात में बार बार उठ के देख रहे थे कि डुक्कू को कहीं फीवर कम हुआ कि नहीं, और रात भर पट्टी रखते रह गीली, पता है तुम्हें पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी नक्श कहता है सच में, अक्षरा कहती हाँ पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और कहती है डुक्कू पता है पापा तुम्हें कभी भी साइड में नहीं लेटने देते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था ना कि डुक्कू कहीं गिर ना जाए, इसीलिए मम्मा पापा के बीच में लेटाते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और मम्मा को भी। डुक्कू देखता है, कहता है अच्छा, कहता है, और वह नैतिक को देखने लगता है। तभी अक्षरा कहती है चलो डुक्कू सो जाओ, लेकिन नक्श साइड में सोता है और पहले वह अक्षरा को देखता रहता है, फिर वो करवट लेके सो जाता है। अक्षरा देखती है और वह भी सो जाती है। आगे आप देखेंगे दूसरी सुबह, अक्षरा सुबह उठती है और देखती है नक्श भी सो रहा होता है और नैतिक को देखती है। अक्षरा दोनों को प्यार से हाथ फिराती है दोनों के सर पे और बहुत ही खुश होती है कि आज दोनों लोग साथ में सोए हैं, और ये खुशखबरी वह माँ को भाभी माँ को बताने जाती है। कहती है आज बताऊँगी तो बहुत खुश हो जाएंगे सब। वह बाहर जाती है तो कहती है पता है आज क्या हुआ, आज डुक्कू और पापा, उसके पापा नैतिक दोनों साथ में सोए हैं, नैतिक डुक्कू के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा था। तभी भाभी माँ कहती हैं अरे ये तो मैं भी देखने को थी नज़ारा। तभी डुक्कू जग जाता है और देखता है और चीख पड़ता है, कहता माँ, और कहता है आपने बताया क्यों नहीं दादी आ गई, और कहते नहीं बेटा दादी नहीं आई हैं अभी, और डुक्कू नाराज हो जाता है। इधर गिरजा कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि दादा के साथ डुक्कू कैसे सो रहा है। भाभी माँ कहती हैं मैं भी देखना चाहती थी, मैं चाहती हूँ कि भगवान करे ये दोनों हमेशा साथ में ऐसे ही रहें। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा के मायके में चीकू के बर्थडे की तैयारियाँ चल रही होती हैं। शौर्य ने कुछ प्लान किया है सरप्राइज़, और वह कहता है मैं सरप्राइज़ दूँगा, और उसने टी शर्ट बनवाई होती हैं जिस पे लिखा होता है नक्श, कहता है मेरा सरप्राइज़ है ना। और इधर माँ कहती हैं कि मैं भी कैसी हूँ जब मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत थी, मैंने कभी उसका साथ ही नहीं दिया। और तभी वह इशारे में
कहती हूँ अपना गिफ्ट लेने जाती हैं। इधर शौर बताता है कि मैंने नक्श के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, तभी उसके बर्थडे से एक दिन पहले ही मैंने ये सब प्लान कर लिया है। आगे आप देखेंगे, इधर चीकू नाराज होता है। डुकू कहता है कि दादी नहीं आई, मैं बात नहीं करूँगा दादी से। और तभी अक्षरा कहती है कि नहीं बेटा, वो आ जाएंगे। आगे आप देखेंगे, अक्षरा डुकू को समझाती है कि नहीं बेटा, दादी आ जाएंगे। आगे आप देखेंगे, तभी आ जाता है गायत्री जी का फ़ोन। और गिरजा कहती है छोटी माँ का फ़ोन है, और अक्षरा बात करती है। तभी छोटी माँ कहती है मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, डुकू नाराज़ होगा ना मुझसे। तभी अक्षरा कहती है हाँ नाराज है, और तभी कहती है उससे कह देना वो बिल्कुल नाराज़ ना हो। तभी अक्षरा कहती है लो डुकू बात कर लो दादी से, लेकिन डुकू मना कर देता है। तभी अक्षरा कुछ बहाने करती है, जिससे डुकू कहता है नहीं मुझे बात करनी है। और डुकू कहता है नहीं दादी, तुम मम्मी की बिल्कुल मत सुनो और जल्दी से आ जाओ, तुम आई क्यों नहीं, मुझे मन में बहुत गुस्सा हूँ। तभी दादी कहती है पता है मैं तुम्हारे यहाँ सरप्राइज़ कर रही थी प्लान, तुम बताना नहीं चाह रही थी हम लोग, मुझे बताना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगी, क्योंकि वहाँ जो मिलते हैं वो तो तुम्हारे पास है ना, यहाँ नहीं होंगे, वो ही ढूंढ रही हूँ, बस उसी को ढूंढने में टाइम लग रहा है बेटा, मैं जल्दी से आ जाऊँगी। तभी डुकू कहता है ठीक है दादी, आप जल्दी से वो ढूंढ के और फिर आ जाओ, मेरा बर्थडे है ना कल। आगे आप देखेंगे, इधर अक्षरा कहती है डुकू दादी आ जाएंगी, ठीक है अब तो खुश हो। तभी डुकू कहता है हाँ अम्मा मैं खुश हूँ, बस दादी आ जाएं। और तभी अक्षरा कहती है चलो ठीक है। आगे आप देखेंगे, इधर अक्षरा के मायके में सभी लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे थे। तभी शौर्य दिखाता है कि उसने क्या स्पेशल बनाया, और कहता है ये देखो ये टी शर्ट पे नक्श का नाम होता है। कहता है ये सिर्फ नक्श के लिए नहीं, ये सभी के लिए है और सब पे ही ऐसे ही है। तभी माँ आ जाती हैं, कहती हैं बेटा ये देखो मैंने डुकू के लिए किया है। तभी जब खोलते हैं तो वो एक बेडशीट होती है बहुत ही प्यारी, उसमें बहुत सारी यादें होती हैं अक्षरा नैतिक डुकू की। और सभी लोग देखकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं इतना प्यारा तोहफा आपने बनाया, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने। तभी माँ कहती हैं कि हाँ ये तोहफा मुझे बनाने का आइडिया भी नैतिक जी से ही आया है। जमाई सा की मुझे एक बात याद आ गई, उन्होंने कहा था कि माँ यादें कभी पुरानी नहीं होती, यादें हमेशा और यादें ताज़ा कर देती हैं, और इसीलिए मैंने उन्हीं यादों को बस इस चादर में सजा दिया। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाई, जब उसे मेरी ज़रूरत थी तो मैं पूजा पाठ में लगी थी, बस यही तब सोचती थी उसकी मदद कर रही हूँ, लेकिन कभी जमाई सा के पास नहीं बैठी। और कहती है अनन्या बेटा मैं तुम्हारे लिए भी ऐसी चादर बनवा दूंगी। आगे आप देखेंगे, इधर अक्षरा डुकू को तैयार कर रही होती है स्कूल के लिए। डुकू कहता है नहीं माँ आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अक्षरा कहती है क्यों आज क्यों नहीं जाओगे, बर्थडे तो कल है ना। तभी डुकू कहता है कल तो मैं जाऊँगा, कल तो सबको चॉकलेट बांटूँगा ना, लेकिन आज नहीं मम्मा। तभी अक्षरा कहती है नहीं आज भी जाओ। आगे आप देखेंगे, तभी घर में सभी लोग बाकी आ जाते हैं अक्षरा के मायके वाले। अक्षरा सभी लोगों को देखकर इतनी खुश हो जाती है कि इसका अंदाज़ा ही नहीं। अक्षरा कहती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है माँ आप आई हो। तभी अक्षरा की माँ कहती है हाँ बेटा मैं आई हूँ, और गले लग जाती हैं। तभी भाभी माँ कहती हैं आप लोग आए बहुत खुश, बहुत अच्छा लगा। तभी माँ कहती हैं हाँ इसके दो रीज़न हैं यहाँ आने के, एक तो डुकू का बर्थडे, शौर्य ने कुछ अलग स्पेशल प्लान किया था इसीलिए एक दिन पहले ही मना रहे हैं, और दूसरा, और सभी लोग कहते हैं दूसरा क्या। तभी माँ कहती है मैं जमाई सा से मिलना चाहती हूँ। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड बाय।